चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ है सीए रवि टावरे सर, और रवि सर की कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे आज वो आने वाली है आपके पास। रवि सर आपसे एक सवाल पूछेंगे, सर ऐसी कौन सी बॉलीवुड मूवी है जो आप मल्टीपल बार देखते रहते हैं जब आप फ्री होते हैं, आपको देखना पसंद है? खुश के साथ बाहुबली देखता रहता हूँ मैं। सर ऐसा कौन सा गाना है जब मैम नाराज हो जाती है तो ऐसा कौन सा गाना है जो सर प्ले करते हैं और ड्राइव पर जाते हैं? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। ओके सर, डज इट वर्क? या इट वर्क्स, शी नोज शी इज गोइंग टू प्ले दैट। उसका मतलब इट इज अ अपोलॉजी, ऑफिशियल अपोलॉजी, ये गाना प्ले हो रहा है मतलब। अच्छा, जहां तक मुझे पता है सर इज सर को हॉलीडेज, सर को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। सर योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? आई थिंक फुकेट इज वेरी गुड, आई लव फुकेट, बहुत प्यारी जगह है। फुकेट एंड फीफी इज वंडरफुल। ओके, और जितना मैं सर को जानता हूँ सर, योर फेवरेट होटल इन इंडिया? फेवरेट होटल इन इंडिया, ओके, देयर आर लॉट ऑफ गुड होटल्स, बट रिसेंटली बीन टू चेन्नई, तो चेन्नई का फाइव स्टार है, आई थिंक मैरियट है, वाज द फूड दे सर्व्ड वाज ऑसम, और उसमें भी अभी आजकल मेरा रिसेंट फैसिनेशन है ट्रफल ऑयल। हाँ, तो आपकी दाल मखनी के एंड विद ट्रफल ऑयल इज ऑसम, तो वो बहुत मजा। ट्रफल ऑयल तो मैंने भी सर के साथ ही टेस्ट किया, ट्रफल ऑयल मशरूम्स मैंने सर के साथ खाए थे, 18 में हम लोगों की पार्टी हुई थी, सो सर ट्रीटेड में वो दे। सर योर फेवरेट वेब सीरीज? देन आई थिंक फैमिली मैन इज गुड, आई थिंक आई लाइक सूट्स गुड, अच्छा मजा आता है देखने में। सर अच्छा, इंडिया में आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? इंडिया में फेवरेट कंपनी कौन सी है? देखो फेवरेट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं फेवरेट इन द सेंस उसके बारे में बहुत बात करता हूँ। इट इज नॉट दैट आई लाइक एवरीथिंग अबाउट इट, बट देन दैट इज व्हाट मोस्ट आई डिस्कस, दैट्स रिलायंस। सो रिलायंस बॉस आज इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोप का ऑयल में, मतलब सऊदी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया, अरामको पीछे छोड़ दिया, मतलब बिजनेस मॉडल और इतनी सारी चीजें फैसिनेटिंग, और मुझे पता है कि अकाउंटिंग में काफी सारे मैजिक एडजस्टमेंट्स वो लोग करते हैं। अरे हम लोग मिले हैं ऑडिट के टीचर के साथ। सर आपको सही में लगता है इंडिया की बहुत सारी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में आपको लगता है कि अगर बहुत ज्यादा फॉरेंसिक ऑडिट कराए तो गड़बड़ निकल कर आ जाए? बताओ, रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मुकेश भाई बड़ा धंधा करते हैं, धंधा नहीं चला हाँ, तो अकाउंटिंग मैजिक चल जाता है। ओके, एंड आई फील दैट सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कहीं ना कहीं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट, और ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको डिटेक्ट करके उसको ठीक करना, फिर भी, बट आई फील मेनी ऑफ देम आर इन्फ्लुएंस्ड, ऐसा मैं बोलूंगा। ठीक है भाई, यूएस में कंपनियां डूब गई इतने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन के बाद में, वहां पे तो एक गलती अगर ऑडिटर करे तो करोड़ों का फाइन है। ठीक है, यहाँ पे तो भी थोड़ा कम फाइन है कंपेरेटिवली, सो थोड़ा डर तो मुझे भी लगता है लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर। अब जो लिस्टेड कंपनी को ऑडिट भी किया है, कभी कभी ऐसा होता है ना मैनेजमेंट को कुछ पता, ये कट कर देना, ना ऑडिटर को कुछ पता कि एडजस्टमेंट कैसे होने वाला, बस फाइनल करना है तो हो गया। ओके ओके ओके, सो आई फियर। ठीक है सर, फेवरेट बुक कौन सी है? आई लव राफा, राफा बहुत मजा है मेरे को पढ़ने में, तो आई थिंक क्योंकि वो एक प्रोफेशन की कहानी है और कहीं ना कहीं हम सब भी प्रोफेशनल्स हैं, तो उसमें जो बातें लिखी है दे वेर लवली, हाउ उसकी फैमिली ने उसको हमेशा ग्राउंडेड कैसे रखा, जमीन के ऊपर कैसे रखा, एंड हाउ ही डिस्ट्रेसेस हिमसेल्फ, वंडरफुल, आई लव द बुक। ओके, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हेन देयर इज अ बैटरी डाउन मोमेंट, हाउ डू यू कोप अप विद दैट, बिकॉज़ सबकी लाइफ में थोड़ा बैटरी डाउन मोमेंट आता है, तो आप कैसे कमबैक करते हैं? जनरली व्हेन आई एम टेंस और अपसेट आई एम मम, आई स्पीक लेस, ठीक है, आई स्पीक लेस एंड आई मे बी आई प्रेफर टू स्लीप, वंस आई स्लीप आई गेट अप आई एम ऑल रिचार्ज, और इसके अलावा देन फैमिली के साथ जाओ घूमो फिरो, दैट इज द बेस्ट वे टू, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, टू मीट पीपल एंड एंजॉय द इवनिंग, दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रेस। आजकल बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कभी कोई रिलेशनशिप से बाहर आता है, तो वो कोप अप नहीं कर पाते। सर क्या कभी आपका कोई ब्रेकअप हुआ? देखो आज के डेट में ये नॉर्मल चीज है और होता ही सबका, एक हाथ दो कुछ गहरा होता है, ब्रेकअप चलता रहता है, एंड इट्स फाइन, चलता है, तो हुआ उसके बाद भी हो जाता है सीए सर, मतलब हाँ उसके बाद तो फिर मैंने इतनी मेहनत की टीचिंग में कोचिंग में कि इतना लग गया, ब्रेकअप से जो आग निकली थी ना उसमें मैं टीचिंग में आ गए क्या। ओके सर, बॉलीवुड ट्रैक जो आप कभी भी चलाएंगे, कभी भी डांस कर सकते?
कोई भी चलाइए, कभी भी डांस कर सकते हैं। देख मेरे को अगर चार्जर पर है तो माई ड्रीम इज टू फ्लाई, ठीक है, और एकदम चिल रिलैक्स करना है तो टिप टिप My dream is to fly over that rainbow so high.